बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब हैबियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग, आपको एक और व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। सो आज है ईद का तीसरा रोज़ और हम निकले हुए हैं टूर पे। हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है सियालकोट टू नथिया गली। तो आज हम विज़िट करेंगे, शाम तक हम पहुँच जाएँगे ऑलमोस्ट मरी और फिर उससे आगे नथिया गली इंशाल्लाह। तो आप सब हमारे व्लॉग के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको मज़े मज़े के व्यूज़ हम दिखाएंगे। सफ़र में हम सफ़र अकरम भाई, अफजाल भाई और चौधरी अब्दुल्ला शफकत। सो ये हम पहुँचे हुए हैं अपने एक रेस्टोरेंट पे। मैं तो मलगड़े बहुत होना चाहिए क्योंकि हाड़ी मिनट बाद वीडियो बनती है। क्योंकि महफिल में नसीरूं के तबासुम कसम देखते रह गए हम, हाथ से जाना दिल का। हम अपने टूर पर जो है वो गामजन है और अभी हम पहुंचे हैं जेहलम और यहां से गाड़ी का टैंक फुल करवा रहे हैं। तो ये हमारे असद भाई हैं जो कि माशाल्लाह से रेस्टोरेंट जिस पे हम पिज़्ज़ा खा रहे थे उसके ओनर हैं, मालिक हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है यूट्यूबर मुशाहिद अली ज़फ़र। तो अभी तक भी थैंकफुल नहीं हुआ जो है वो, इसमें 37 लीटर तक जो है वो हो चुका हुआ है। 39-40 लीटर, आई डोंट नो कि इस गाड़ी की जो कैपेसिटी है टैंकी वो कितनी है, लेकिन अभी तक स्टिल जो है वो 43-45 लीटर 46। But I'm so frustrated, hello to my loneliness, I guess the ignorance is bliss, take me back to before now। Finally hum apne room mein hain aur abhi hum ready ho rahe hain aur kuch hi der mein nashta karne ke baad hum nikal rahe hain outing pe। To aap sabko bhi aaj ke ye hamare afzal bhai hain। Afzal bhai kya baat kar rahi hai, batao ye full ready hai, ye dekh le inka full ready hona। अभी हमारे असद भाई हैं और इंट्रोड्यूस करवाया था रात को भी मैंने आपको। असद भाई हेलो हाय कर दे ऑडियंस को। तो यहाँ पे मैं असद भाई के बारे में कहना चाहूँगा कि पर्सनालिटी वाइज माशाल्लाह ही इज़ वेरी गुड और इनका जो डिज़ाइनर के नाम से ब्रांड है, पिज़्ज़े की शॉप है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में व्लॉग में भी बताया था कि जो पिज़्ज़ा हम खा रहे थे ये उसके ऑनर हैं। तो मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम तर मेरी ऑडियंस जो मुझे जलालपुर जट्टा ये इसके गिरदो नवाफ में देख रही है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप एक दफ़ा ज़रूर डिज़ाइनर विज़िट करें और इंशाल्लाह आई होप कि आपको असद भाई ना उम्मीद नहीं होने देंगे और तरह तरह के पिज़्ज़े और तरह तरह की चीज़ें आप वहाँ से इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। पहुँचे थे और अभी जौन सा है वो हम नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ता करने के बाद हम निकलेंगे अपने टूरिस्ट पॉइंट की तरफ जो कि है नथिया गली। तो आप सबको भी इंशाल्लाह आज नथिया गली की सैर करवाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर दिस।
वहाँ पे ट्रांसफार्मर को तो कर रहा है। वाह क्या टेक्निक है। चलो तो हमारा जो प्रोग्राम था नतिया के लिए जाने का वो प्रोग्राम तो कहीं पे रह गया क्योंकि ईद के तीसरे रोज़ भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, हमें जगह जगह पे रुकना पड़ रहा था और उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका जो भी हम रास्ते में रुकते रहे ट्रैफिक की वजह से। तो इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो हम नथिया गली ज़रूर जाएंगे और व्लॉग भी दोबारा से बनाएंगे। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि ट्रैफिक की वजह से हमने अपना नथिया गली जाने का प्रोग्राम कैंसिल किया और हम वापस इस्लामाबाद की तरफ लौट पड़े और इस्लामाबाद हम एक रेस्टोरेंट में पहुँचे जो कि TRK के नाम से था और रेस्टोरेंट की आउटलुक और देखें कितना माशाल्लाह से सजा हुआ है और बड़ी स्क्रीन पर जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसको भी विजुअलाइज किया जा रहा है। तो इसके साथ ही मुशाहिद अली ज़फ़र को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीक में और तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप मेरी ऑडियंस मेरी फैमिली आपको अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह